कल की बातों को पुनरावृत्ति करने से पहले आप पहले एसएमएस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को घंटी को दबा दीजिए। चलते हैं, जिससे आपको फिर जो अगले क्लास चलेगी उसमें आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़े। चलते हैं कल जब हम व्याकरण और क्या कहते हैं भाषा के बारे में बात कर रहे थे, आज हम व्याकरण का ही एक पार्ट ले लेते हैं, उसका वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में पहले हम वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वर्ण का परिभाषा जो मैं यहां आप देख रहे होंगे, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। नहीं किए जा सकते यानी कि आप वैसा वर्ण, वह वर्ण मान लेते हैं कि वह वर्ण अ हुआ, तो अ एक वर्ण है, उस वर्ण के हम लोग टुकड़ा नहीं कर सके हैं, खंड नहीं कर सकते हैं, यह एक वर्ण हुआ। तो वर्ण की परिभाषा पुनः मैं दोहरा रहा हूं, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिस तरह हम बताए हैं कि अ, तो अ अपने आप में पूर्ण है, अ इनका हम टुकड़ा या खंड नहीं करते हैं क्योंकि यह होता ही नहीं है, यह इसका होगा ही नहीं। हम अगर दो लेते हैं, दो उंगली लेते हैं तो हम इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर लेंगे, लेकिन यह जब एक ही है इसको काटना पड़ेगा, इसका अपना अस्तित्व मिट जाएगा, इसलिए इसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। पुनः हम वर्ण के साथ आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला, क्योंकि वर्णों से ही वर्णमाला का निर्माण होता है। अगर हम वर्ण को जोड़ते हैं, वर्ण कहा गया है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित समूह, समूह उनके जो क्रमबद्ध हम कुछ लिखते हैं, सब मान लेते हैं कि मैंने लिखा कि राम आम खाता है, या तो वाक हो गया। लेकिन अगर हम वर्ण पर चले, अगर हम यहां लिखें को लो मो, ये अलग अलग वर्ण हुआ और इसको को लो मो या एक शब्द बन गया। अगर हम इसको मो को लो मकर, तो ये जो हमारा वर्णमाला है यह वर्ण शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि यह हम आगे बढ़ेंगे, आगे जब हम क्लासे लेंगे उसमें हम लोग शब्द के भी प्रकार चलेंगे। पुनः हम पीछे आते हैं और चलते हैं वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। समूह व्यवस्थित होना चाहिए, हम किसी व्यवस्था के तहत इसको लिखते हैं। हम आगे भी बढ़ेंगे, पहले पुनः फिर पीछे आते हैं कि वर्णमाला है क्या, वर्ण है क्या। तो वर्ण मैंने बता दिया, मैंने बताया, मैंने परिभाषा भी बता दिया, आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, पुनः उसको दोहराएंगे। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित समूह, वर्ण जो लिखते हैं और उसको हम शब्द बनाते हैं, तो वर्णमाला जिस तरह मोतियों का माला होता है, मोतियों अगर हम एक 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 फूल को पिरोते हैं तो वह माला का आकार, माला का रूप ले लेता है, उसी तरह एक एक वर्ण को क्रमबद्ध, अगर उस वर्ण को हम क्रमबद्ध यानी कि व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो वह एक शब्द का प्रयोग करेगा, शब्द बन जाएगा, वर्णों का माला बन जाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। चलते हैं हम लोग वर्ण, अब हम वर्ण के प्रकार पढ़ाते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होता है, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। तो हम परिभाषा बाद में बताएंगे, पहले स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो स्वर उन वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण में, जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर उन वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में हम जिसका उच्चारण करते हैं, जिसको बोलते हैं उसके बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे हम ई ओ, ये जो वर्ण बोलते हैं ओ आ ई ई, ये जो वर्ण बोलते हैं इस वर्ण के उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है।
इसके विपरीत हम अगर व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण करने में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है। हम बता रहे हैं आपको, जैसे हम लिखते हैं क, क लिखने के लिए हमें क में ओ का प्रयोग भी करना पड़ता है, ओ का उच्चारण भी करना पड़ता है। तो व्यंजन वर्ण क और ओ के मिलने से क बना है। क क हम बोलते हैं क क, तो जब हम क का उच्चारण करते हैं तो उसमें ओ की आवाज, ओ का जो ध्वनि है वह ध्वनि निकलता है, और जिससे हम यह कह सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट भी हो जाता है कि क का उच्चारण करने से, क का उच्चारण करने से क में ओ, ओ का प्रयोग आ गया है, इसलिए क व्यंजन वर्ण है। हम स्वर और व्यंजन वर्ण के बारे में थोड़ी सी पुनः जानकारी प्राप्त कर ले। तो स्वर वर्ण की परिभाषा इस तरह होगा, जिन वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, यानी कि हम नहीं लेते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं वह स्वर वर्ण कहलाता है। तो स्वर वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, जैसे ओ, आ, ई, यह स्वर वर्ण के उदाहरण है। इसे हम स्वर वर्ण के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि परिभाषा से यह स्पष्ट होता है, परिभाषा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि इन वर्णों के उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली गई है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की कोई मदद नहीं ली जाती है, उनकी आवश्यकता ही नहीं होती है उन वर्णों के उच्चारण में, जिसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तहत हम देख रहे हैं अ, आ, ई, इत्यादि और कुछ वह आगे बढ़ेंगे जब हम उसके और आगे विस्तृत जानकारी देंगे आपको। अभी हम वर्ण की परिभाषा पर चलते हैं। दूसरे आते हैं व्यंजन वर्ण। वर्ण को जो दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े। क्या कहें, पहले कहते कि नहीं लेनी पड़े, और अब मैं पुनः उनके विपरीत चल रहा हूं कि परिभाषा उसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े। जैसे हमने बताया कि उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण लेते हैं, हम किसी दूसरे से मदद लेते हैं, दूसरे वर्ण का प्रयोग हम व्यंजन वर्ण के साथ करते हैं। अगर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो यह हमारा जो वर्ण है वह अपूर्ण हो जाएगा, वह पूर्ण वर्ण नहीं होगा। हम लिखे हैं क, च, ट आदि। तो हम बताए, पहले बताए थे कि क का जो हम उच्चारण करते हैं, क, क का जो उच्चारण करते हैं उसमें क के साथ अ आया है, तो क के साथ अ आया है, अ तो स्वर वर्ण है और क अ के मिलने से क बन गया, तो क अ यानी कि व्यंजन वर्ण, क अ प्लस क, तो क जो हुआ सो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है। अगर नहीं लेंगे तो हम बताए थे कि क, क बोलेंगे तो हम जो उच्चारण करते हैं उच्चारण से ही स्पष्ट होता है कि क में अ आया है। उच्चारण, हम जो उच्चारण करते हैं किसी का, राम, मोहन, सोहन, गोपाल, यानी कुछ उच्चारण करते हैं, तो उस उच्चारण में साफ पता चलता है कि क, क में अ लगा है। तो क में जब अ आया है तो बताया गया है परिभाषा में कि दो वर्णों, दो वर्ण यानी कि हम जो क बोलते हैं, तो क में क्या मिला है, अ, तो क प्लस अ यानी कि ये दो वर्ण हो गया। तो जिस वर्ण में, जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है वही व्यंजन वर्ण हुआ। तो व्यंजन वर्ण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। तो हम चले अभी वन पर, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जब हम आगे बढ़ेंगे
और कुछ इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो वर्णमाला यानी कि व्याकरण का जो पहला व्याकरण जो कल पढ़े थे, भाषा का कुछ ज्ञान आपने अर्जित किया था, उसी के तहत हम व्याकरण के भेदों के बारे में, व्याकरण के जो भेद होते हैं उसका सिर्फ एक पॉइंट, एक उसका था वर्ण विचार, आगे ही पढ़ेंगे। इसके और पांच चार भेद हैं, पांच भेद होता है इसका। तो वर्ण विचार जो पहला था, वर्ण का पहला वर्ण विचार, उसके तहत मैंने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण यानी कि इनके परिभाषा, दो परिभाषा मैंने आपको बताया, मैंने आपको दिया, और आप इन परिभाषाओं को शायद समझ भी लिए होंगे, नहीं तो पुनः इसको दो बार चार बार अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने से ही आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। तो मैं पुनः एक बार उसको दोहरा रहा हूं, इसको जिन वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। साफ स्पष्ट है कि हम किसी इसके उच्चारण में इसका वर्ण उच्चारण करते हैं, इस वर्ण के उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेते हैं। पुनः हमने बताया आपको कि व्यंजन वर्ण, क्योंकि वर्ण को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जिन वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े, यानी कि हम दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, तो दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं जिससे उसको व्यंजन वर्ण की उसकी पहचान होती है। मैंने बताया था चौ, चौ का जो हम लोग उच्चारण करते हैं, चौ बोलते हैं, तो चौ बोलने से चौ में अ की जो वर्ण है, जो स्वर्ण वर्ण है, उसके दोनों के मिल से, दोनों के मिलने से, चौ और अ के मिलने से चौ बना, चौ और अ के मिलने से चौ का उच्चारण होता है, तो चौ हुआ। तो लिखे हैं, प लिखेंगे, म लिखेंगे, यानी कि व्यंजन जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको व्यंजन क्रम में और सारी स्थितियां आपकी समझ में आ जाएगी, जो जो भी कुछ प्रॉब्लम समस्याएं आएगी उसका समाधान आप स्वर और वर्ण व्यंजन के जो पढ़ेंगे, कि जो कविता परिभाषाएं आप याद कर लेंगे और परिभाषा पढ़ेंगे, तो परिभाषा पढ़ने से ही आप इसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो कहना यही चाहते हैं कि हम व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण हम कल भी बताए थे कि व्याकरण किसी भी भाषा का मौलिक जो है वह जो हमें स्ट्रांग प्रदान कर, जो हमें मजबूती प्रदान करता है, किसी भी भाषा का मजबूती प्रदान करता है, वही अगर हम इसका हमें थोड़ी सी भी जानकारी मिल जाती है, थोड़ी सी, बहुत कम की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी भी जानकारी मिल जाती है तो यह हमारे लिए फायदे की होगी। कहता है कि समुद्र जो होती है वो विशाल होती है, तो व्याकरण की भी अपनी बहुत बड़ी शाखाएं हैं, उस शाखाएं में से अगर थोड़ी सी भी जानकारी हमें मिल जाती है व्याकरण के संबंध में, अगर हमें थोड़ी सी भी जानकारी मिल जाती है तो हम अभी जिस क्लास से, जिस वर्ग से आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ने में और हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हम इसी के साथ यह पाठ दो का जो वर्ण विचार है वह आपके समक्ष रखा, कोशिश करेंगे कि आप इसे पढ़ेंगे और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको जाना पड़ेगा SMS Education, आपको जाना पड़ेगा SMS Education, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइटम को जरूर दबा दें।